नमस्कार, झरोखा चैनल में मैं राजेंद्र चंद्रकांत राय आप सब का स्वागत करता हूं। और इस बार हम अभिव्यक्ति और माध्यम जो पाठ्य पुस्तक है आपकी, उससे कोश एक परिचय नाम का जो पाठ है, अध्याय है, उसके प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। ये कोश जो है, ये शब्दकोश से संबंधित ये अध्याय है, जिसमें हम अपनी भाषा के प्रत्येक शब्द के बारे में, उसके अर्थ के बारे में, उसके तात्पर्यों के बारे में, उसकी बनावट के बारे में, उसके उद्गम के बारे में जानते हैं। तो इन्हीं को छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से हम जानेंगे। प्रश्न पहला है, शब्दकोश क्या है? तो इसका उत्तर है कि शब्दकोश शब्दों का एक खजाना है, ऐसी तिजोरी है जिसमें शब्द भरे हुए हैं, ऐसा भंडार है जहां शब्दों का अंबार लगा हुआ है। और दूसरा प्रश्न है, शब्दकोश में किस तरह की जानकारी दी जाती है? तो उत्तर है कि शब्दकोश में शब्दों की व्युत्पत्ति यानी उनका उत्पन्न कैसे हुए, बने कैसे, स्रोत कहां से आए हैं, लिंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, शब्द रूप तथा अन्य संदर्भ परक अर्थों के बारे में इसमें जानकारी दी जाती है। और अब तीसरा प्रश्न है कि हिंदी शब्दकोश में किस वर्णमाला का अनुसरण किया जाता है? तो उत्तर है कि हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का ही अनुसरण किया जाता है। जब हिंदी का शब्दकोश बनाया जा रहा है या बना हुआ है, तो वर्णमाला भी उसी भाषा की होगी, और इसलिए सबसे पहले अ वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों को लिया जाता है। और अब प्रश्न चौथा, हिंदी वर्णमाला के शब्दकोश में व्यंजन कहाँ रखे जाते हैं? उत्तर है कि हिंदी वर्णमाला के शब्दकोश में व्यंजन सबसे अंत में आते हैं, परंतु शब्दकोश में उन्हें कम से कम रखा जाता है। जिन व्यंजनों से मिलकर वे बने हैं, जैसे क धन श बराबर श, छत्री वाला श, इसी तरह ज हलंत लगा हुआ है, व्यंजन है इसलिए, धन म बराबर ग्या, त जिसमें हलंत लगा है, धन र बराबर त्र। अब प्रश्न पांचवा, शब्दकोश और संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है कि शब्दकोश में शब्दों के अर्थ दिए होते हैं, और संदर्भ ग्रंथ में मानव द्वारा संचित ज्ञान को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब आते हैं छठवें प्रश्न पर, संदर्भ ग्रंथ का सबसे विशद रूप क्या है? तो इसका उत्तर है, संदर्भ ग्रंथ का सबसे विशद यानी बड़ा रूप है विश्व ज्ञान कोश, जैसे अंग्रेजी में एनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। इसमें मानव द्वारा संचित प्रत्येक जानकारी और सूचना को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सातवां प्रश्न है, संदर्भ ग्रंथों के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार बताइए। तो उत्तर है, संदर्भ ग्रंथों के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हैं, साहित्य कोश और चरित्र कोश। और अब प्रश्न आठवां, साहित्य कोश और चरित्र कोश में किस तरह की जानकारियां होती हैं? तो इसका उत्तर है, साहित्य कोश में साहित्यिक विषयों से संबंधित जानकारियां, और चरित्र कोश में साहित्य संस्कृति विज्ञान आदि क्षेत्रों के महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारियां दी जाती हैं। साहित्य कोश में साहित्य के बारे में,
चरित्र कोश में उन महान व्यक्तियों के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके काम के बारे में, उन्होंने क्या किया है, कोई आविष्कार किया है, कोई रचनात्मक काम किया है, कोई किताब लिखी है, तो ये जानकारी चरित्र कोश में होती है। और अब प्रश्न 9वां, संदर्भ ग्रंथों का क्या उपयोग है? उत्तर है, संदर्भ ग्रंथ हमारे लिए सागर में गागर के समान है। नहीं, ये तो उल्टा बोल दिया मैंने, गागर में सागर के समान है कि जैसे एक छोटी सी गागर में हम पूरे समुद्र को भर लें। जब भी किसी विषय में जानकारी की जरूरत होती है तो हम उसे संदर्भ कोश से उसे पा सकते हैं। प्रश्न 10वां है, संदर्भ ग्रंथों में जानकारियों के संकलन की कौन सी विधि अपनाई जाती है? संकलन करने की कौन सी विधि? तो उत्तर है, संदर्भ ग्रंथों में जानकारियों के संकलन की वही विधि अपनाई जाती है जो विधि शब्दकोश के लिए अपनाई जाती है, यानि उनका क्रम ठीक उसी तरह का होता है जैसे शब्दकोश में वर्णों का क्रम रखा जाता है। और अब 11वां प्रश्न है, शब्दकोश में अब तक शब्दों की कितनी संख्या हो चुकी है? तो उत्तर है, शब्दकोश में शब्दों की संख्या अब तक 5 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। प्रश्न 12वां है, शब्दकोश के विभिन्न खंडों को किस आधार पर बांटा जाता है? इसका उत्तर है, शब्दकोश के विभिन्न खंडों को वर्णमाला के वर्ण क्रम के आधार पर बांटा जाता है। जैसे क वर्ण वाला क खंड, ख वर्ण वाला ख खंड और ग वर्ण वाला ग खंड। और अब आते हैं प्रश्न 13वें पर, नीचे दिए गए कथनों को पूरा कीजिए। तो इन्होंने जो क के अंतर्गत पहला कथन दिया है कि शब्दकोश न केवल शब्दों के अर्थ बताता है बल्कि डॉट 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 डॉट, अब बाकी हमको अलग बताना है। तो इसका उत्तर इस तरह होगा, शब्दकोश न केवल शब्दों के अर्थ बताता है बल्कि शब्दों की व्युत्पत्ति, स्रोत, लिंग, शब्द रूप तथा अन्य संदर्भपरक अर्थों के बारे में भी जानकारी देता है। ख, शब्दकोश में शब्दों का क्रम डॉट डॉट डॉट। उत्तर है, सॉरी, शब्दकोश में शब्दों का क्रम वर्णमाला की वर्ण क्रम के अनुसार होता है। और ग है, शब्दकोश का सबसे बड़ा लाभ यह है कि डॉट डॉट। उत्तर, शब्दकोश का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह हमारे शब्द ज्ञान को बढ़ाता है। और अब प्रश्न 14वां, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोशीय क्रम में लिखिए। आपको शब्द दिए गए हैं, हमें एक शब्दकोश बनाना है जिनमें इन शब्दों में कौन पहला आएगा, कौन बाद में आएगा, ये देखना है। तो जो शब्द हैं वो हैं परिक्षर, परिक्रमण, परिक्रम, विश्वामित्र, हिमाश्रया, हृदयंगम, ग्वालिन, घंटा, योगांत, घटक, घट, इच्छित, इक्षु, अंत, अकंपित, आवृष्टि, उदाहन, उद्योग, जिज्ञासु। तो इसको इस तरह लिखेंगे हम, क्रम ऐसा बनेगा, अंत, अकंपित, आवृष्टि, इच्छित, इस्तु, उदाहन, उद्योग, ग्वालिन, घंटा, घट, घटक, जिज्ञासु, परिक्रम, परिक्रमण, परीक्षण, योगांत, विश्वामित्र, हिमाश्रया और हृदयंगम। तो यह था कोश एक परिचय पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तरों वाला एपिसोड। कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।